दीदी आज आप हमें क्या सिखाएंगी? आज हम तुम लोगों को एक मजेदार खेल खिलाएंगे। अरे वाह! अच्छा तुम लोग बता सकते हो ये कौन सा फूल है? कमल का फूल है। हाँ ये कमल है। मेरे घर के पास वाले तालाब में तो बहुत सारे कमल के फूल खिलते हैं। हाँ सविता ने बिल्कुल ठीक बताया, कमल तालाब में खिलता है। सौरभ तुम उठो और श्याम पट पर कमल लिख के दिखाओ। शाबाश, बिल्कुल ठीक लिखा। तुमने सरोज का फूल देखा है? नहीं। अरे कमल के फूल को ही सरोज का फूल भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि तालाब को कहते हैं सर और जा का अर्थ है पैदा होना, तो तालाब में जो पैदा हुआ वह कमल कहलाया सरोज। आरुष उठो और श्याम पट पर कमल के आगे सरोज लिखो। शाबाश। दीदी तो क्या कमल और सरोज दोनों एक ही फूल के नाम है? हाँ कमल और सरोज एक ही फूल के नाम है। अच्छा तुम बता सकते हो समान अर्थ वाले दो शब्दों को क्या कहते हैं? नहीं मालूम। समान अर्थ वाले दो शब्द पर्यायवाची कहलाते हैं। तो कमल का पर्यायवाची हुआ सरोज। अच्छा अंबुश तुम अपने नाम का अर्थ जानते हो? हाँ। क्या है तुम्हारे नाम का अर्थ? मेरे पापा कहते हैं अंबुज का अर्थ है कमल। दीदी क्या अंबु सही बोल रहा है? अंबु का अर्थ है पानी और जा का अर्थ है पैदा होना, तो जो पानी में पैदा हुआ वह कहलाया कमल, और कमल और अंबुज एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। तो कमल के क्या क्या पर्यायवाची हो गए? सरोज और अंबुज। हाँ शशि तुम श्याम पट पर अंबुज लिखो। शशि ने बिल्कुल ठीक लिखा। हाँ तो सविता बताओ कमल के क्या क्या पर्यायवाची हुए? सरोज और अंबुज। हाँ दीदी आपने तो खेल खिलाने को कहा था। आओ हम लोग मिलकर एक गीत गाते हैं। लाल लाल थाली सा सूरज उठकर आया पूरब से। लाल लाल थाली सा सूरज उठकर आया पूरब से। फिर सोने के तारों जैसी नभ में छाई एक किरण। फिर सोने के तारों जैसी नभ में छाई एक किरण। सूरज आया दिन मुस्काया। सूरज आया दिन मुस्काया। दुनिया जागी भोर हुआ। दुनिया जागी भोर हुआ। नया नया मन ताजा जीवन। नया नया मन ताजा जीवन। सबको लाई एक किरण। सबको लाई एक किरण। अच्छा बच्चों अब हम लोग सूरज दादा के बारे में बात करेंगे, ठीक है? सूरज को और क्या कहते हैं? सूर्य। हाँ सूरज को सूर्य भी कहते हैं, और सूरज निकलने ही से तो दिन मुस्काता है ना? तो दिन का राजा क्या हुआ? दिनेश। हाँ तो दिन का राजा हुआ दिनेश। दिन का राजा दिनेश। दिन का राजा दिनेश। हाँ सविता चलो दिनेश लिख के दिखाओ।
हाँ सविता, तुमने बिल्कुल ठीक लिखा। और पता है, सविता भी तो दिनेश की ही बहन है। वो कैसे दीदी? अरे सविता का अर्थ भी है सूर्य, तो सूर्य के क्या क्या पर्यायवाची हुए? दिनेश और सविता। चलो आरुष, सविता लिख के दिखाओ। शाबाश, बिल्कुल ठीक लिखा आरुष ने, सविता बिल्कुल ठीक लिखा है। और अब शशि तुम सूर्य लिख के दिखाओ। हाँ शशि ने सूर्य बहुत अच्छा लिखा है ना? दीदी दिनेश तो है दिन का राजा, तो रात का राजा कौन? हाँ रात का राजा कौन, जल्दी से बोलो, रात का राजा कौन? अरे रात का राजा नहीं पता, रात का राजा चांद। अच्छा चांद को और क्या कहते हैं? चांद को चंद्रमा भी कहते हैं। हाँ गौरव ने बिल्कुल ठीक बताया। अच्छा अब चलो रात के राजा चंद्रमा के पर्यायवाची ढूंढें। अच्छा सविता तुम चांद लिख के दिखाओ। हाँ सविता तुमने बिल्कुल ठीक लिखा। अच्छा अभी तुमने बताया दिन का राजा दिनेश, तो रात का राजा उसके लिए एक शब्द बता सकते हो? नहीं मालूम। रात का राजा रजनीश। बच्चों दिन का राजा दिनेश, तो रात का राजा रजनीश। अच्छा शशि तुम्हें अपने नाम का अर्थ पता है? मेरे नाम का अर्थ है चांद, रजनीश और सुधाकर, और ये पर्यायवाची भी हैं। चलो शशि रजनीश लिख के दिखाओ। हाँ रात का राजा रजनीश। हाँ रात का राजा क्या हुआ? रजनीश। चांद के क्या क्या पर्यायवाची हुए? रजनीश, शशि और चंद्रमा। हाँ अच्छा सौरभ उठो और शशि लिखो शाम पट पर। हाँ सौरभ तुमने शशि बिल्कुल ठीक लिखा। अब बताओ जल्दी से चंद्रमा के क्या क्या पर्यायवाची हुए? चांद, रजनीश, शशि और शशि। अब बताओ कमल के पर्यायवाची क्या क्या हुए? सरोज और अंबुज। सूरज के क्या क्या हुए? दिनेश, सविता और सूर्य। अच्छा अब बताओ भाई पर्यायवाची किसे कहते हैं? समान अर्थ वाले दो शब्दों को पर्यायवाची कहते हैं। अब हम लोग एक खेल खेलते हैं, ठीक है? अब हम तुम लोगों को एक कार्ड देंगे, उसमें एक एक चित्र बना है, हैं? और जो चित्र जिस शब्द का पर्याय हो उसके आगे जाकर उसको लगा देना, ठीक है? ये लीजिए अंबुज, आप लगाइए। हाँ देखो भाई अंबुज ने बिल्कुल सही लगाया। अब
सविता तुम उठो और सूर्य के आगे लगाओ। हाँ बच्चों बताओ सविता ने ठीक लगाया? बिल्कुल ठीक। हाँ अब गौरव आप लगाइए, देखिए ये किसके आगे लगेगा? चांद। हाँ गौरव तो बिल्कुल सही बताया गौरव ने। हाँ देखो भाई गौरव ने बिल्कुल ठीक लगाया ना, जोर से ताली बजाइए। हाँ अब आज तुम लोगों ने किसके किसके पर्यायवाची सीखे? कमल, सूरज और